Welcome, my dear student. Today we'll see the some numericals of POS. Like the first numerical is reduce the given equation by using KMAP. And equation is a plus b plus c bar. A bar, B bar, C bar. We have to solve this numerical. Okay. Is it visible to all of you? मुझे बताया कि दिया हुआ इक्वेशन पी ओ एस के फॉर्म में, तो डायरेक्टली मैं पी ओ एस का केमएफ, थ्री वेरिएबल का केमएफ ड्रॉ कर लेता हूँ. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 सी सी बार, राइट. चलो यहाँ पे क्या आएगा, a plus b bar 0 1 2 3 4 5 6 7. चलो पहले टर्म क्या है, a plus b plus c 0, a plus b bar plus c 2, a bar plus b plus c 4, a bar plus b plus c bar. ओके, तो ये हो गया सेल का नंबरिंग. सेल का नंबरिंग समझ में आ गया. सेल का नंबरिंग होने के बाद इंपॉर्टेंट टर्म क्या आती है अपनी, सेल का ग्रुपिंग. ग्रुपिंग कैसे करोगे, चार का ग्रुप बनता है क्या, नहीं. दो का ग्रुप भी नहीं बनता. ये 4 और 5 का ग्रुप, इन 6 और 7 का ये 2 का ग्रुप, और ये 3, 2 2 के 3 ग्रुप बना लिए. वेरी गुड, 2 2 के 3 ग्रुप बना लिए. पहला ये, इसका अगर आंसर निकालते तो क्या आता है, ए बार प्लस बी. इसका आंसर निकाले तो क्या आता है, इधर से कॉमन ए बार प्लस सी बार. और इधर इसका आंसर क्या आता है, इधर से कॉमन ई प्लस सी. तो देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज विल बी इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी. इन दिस वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. और ये न्यूमेरिकल आपको 6 से 7 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है. तो आपको उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना. We will try to solve another numerical so that your concept will get more and more clear. Y is equals to A plus B plus C, A bar plus B plus C, A plus B bar plus C, A plus B plus C bar, A bar plus B bar plus C, A plus B bar plus C bar, A bar plus B plus C bar. Okay, so there are total number of 7 terms are to be there. We'll try to solve this one. आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स अगर ज़्यादा रहेंगे ना, तो वो न्यूमेरिकल को आप उतने ही इजीली सॉल्व करोगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उतने ही उसका बड़े से बड़ा ग्रुप बनता है, और जितने बड़े से बड़ा ग्रुप उतना आंसर उसका छोटा से छोटा आता है. तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे से अच्छे, इसीलिए आप उसको सॉल्व करिए. सबसे पहले मैं केमैप ड्रॉ कर लेता, जो 3 वेरिएबल का केमैप है पी ओ एस का, वो ड्रॉ कर लेता. एस ओ पी और पी ओ एस में फ़र्क क्या है वो आपको ख्याल में रखना है. अगर वो आपके ख्याल में नहीं रहा और आपने एस ओ पी में पी ओ एस में एस ओ पी अगर घुसा दिया, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. वो इम्पोर्टेंट, ठीक. 0 1 2 3 4 5 6 7. चलो सेल को नाम दे दीजिए, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. हाँ चलिए, a plus b bar a bar plus b, यहाँ पे c
और सी बार, ये चीज़ें तो आपको ख्याल में रहनी ही रहनी चाहिए। ये आप अगर भूल गए तो सामने वाला वैल्यूएटर भी आपको मार देने के लिए भूल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 7। 7 टर्म में से पहली टर्म कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को 0। सेकंड टर्म कौन सी है, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे। थर्ड टर्म कौन सी है, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, यानी 2। थर्ड टर्म ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार, यानी ये। नेक्स्ट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, 6। नेक्स्ट ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये इतने टोटल नंबर, ठीक है। अभी सेल का नंबरिंग तो हो गया, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेल का ग्रुपिंग। अब मुझे बताइए यहाँ पे 8 का ग्रुप तो बनता नहीं क्योंकि सेल नंबर 7 खाली है, 8 का ग्रुप बनेगा नहीं, 4 का ग्रुप बनता है, 4 के कितने ग्रुप बनाएंगे तो देखते हैं 4 के कितने ग्रुप बनते। तो पहले 4 का मुझे ये ग्रुप बनाना पड़ेगा, बन गया। फिर बाद में 4 का मुझे बायसिंग पेपर फोल्डिंग मेथड ये ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अभी भी एक सेल बचता है, इसके सिंगल ग्रुप बनाएंगे, 2 का बनाएंगे। देखिए अब आप इसका सिंगल का भी ग्रुप बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं और 4 का भी बना सकते हैं। तो रेफरेंस आपके पास है, प्रेफरेंस आपके पास है, आपको 0 का, 1 का बनाना है, 2 का बनाना है क्या 4 का बनाना है। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जितने बड़े से बड़ा ग्रुप बनता है उतना बनाओ। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, 4 का ग्रुप बनाओगे। तो यहाँ पे एक 4 का ग्रुप आप इसे बनाओगे इधर, चलो ठीक। अभी देखिए जो आपने एक 4 का ये यहाँ पे ग्रुप बनाया है, इसका आंसर क्या आएगा, कॉलम में से कॉमन कौन है, ए। पेपर होल्डिंग से दूसरा जो ग्रुप बनाया है इधर कॉलम में से कॉमन कौन है, बी। और ये जो ग्रुप बनाया है इसमें आंसर कौन है, सी। तो योर फाइनल आंसर इज वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस y इज इक्वल टू, ये आपका आंसर गलत है, y इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। y इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्योंकि अगर ये लिखा है तो ये अगेन आएगा अपना SOP का सम ऑफ प्रोडक्ट, बट यहाँ पे अपने एक एक टर्म आई थी करके हम कंफ्यूज हो गए थे। तो आपका आंसर आएगा ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज द प्रॉपर वे। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।